नमस्कार, मैं रचना शर्मा, चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। देश में कोरोना वायरस की स्थिति दिनों दिन खतरनाक रूप ले रही है। हर दिन बड़ी संख्या में नए कोरोना के सामने आकर रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का 50% स्टाफ कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। ऐसे में एहतियात के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सभी सुनवाई अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की जाएंगी और सभी जज इस दौरान अपने घर से ही काम करेंगे। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू हो चली है और वैक्सीनेशन के अलावा दूसरा कोई हथियार सामने नहीं दिख रहा है। ऐसे में कोरोना वैक्सीन पर ही सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अभी सिर्फ भारत में 2 वैक्सीन का उपयोग हो रहा है, लेकिन सूत्रों की माने तो जुलाई अगस्त तक इसकी संख्या बढ़ सकती है। अगर जुलाई अगस्त तक वैक्सीन का भरपूर स्टॉक मिल पाता है तो भारत में सभी को वैक्सीन लगाने के लिए भरपूर डोज मिलेगी। बता दें कि इस वक्त भारत में 12 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए भी वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। वहीं रूस द्वारा निर्मित स्पुतनिक वी को भी अगले 10 दिनों में ही अप्रूवल मिलने के आसार हैं। बड़ी खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां संजीव बालियान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उन्होंने दिल्ली के आवास पर खुद को आइसोलेट कर लिया है। यूपी के मुजफ्फरनगर से सांसद और केंद्र सरकार के पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन राज्य मंत्री डॉक्टर बालियान ने ट्वीट कर खुद के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना के शुरुआती लक्षण नजर आए थे, जिसके बाद उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया था। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के कारण अब बेकाबू हालात हो चले हैं और राज्य पर लॉकडाउन की तलवार लटकी है। वहीं करीब 11 से 12 जिले ऐसे हैं जहां पर बेड्स ही नहीं बचे हैं। हालात ये हैं कि नंदुरबार में रेलवे बोगी में आइसोलेशन बेड्स तैयार किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के चलते 28 जिलों में से 18 में लॉकडाउन लगाया गया है। इसमें बिलासपुर, सरगुजा, बलरामपुर, मुंगेली, जांचपुर, चांपा जिले में कल से लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इन क्षेत्रों में कई तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा रहेगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 10,521 नए मामले सामने आए, जिसके बाद यहां कुल संक्रमितों की संख्या 4,43,297 हो गई है। देश में महाराष्ट्र कोरोना महामारी की दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे राज्य में दोबारा लॉकडाउन के हालात पैदा हो गए हैं। दूसरी ओर मुंबई में वैक्सीन की कमी के चलते कई वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए थे। अब खबर आ रही है कि इन सेंटरों पर वैक्सीन मुहैया करा दी गई है और इसके बाद कुल 71 प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर में से 62 में से आज सोमवार से वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। चुनाव वाले राज्य बंगाल में भी खतरा बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 4,398 नए मामले सामने आए। अकेले कोलकाता में ही 1,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पूरे बंगाल में कोरोना के एक्टिव केस 23,000 के पार पहुंच चुके हैं। बंगाल उन 16 राज्यों में से एक है जहां लगातार मामले बढ़ रहे हैं। इस बीच चुनाव के बीच हर तरफ लापरवाही दिख रही है। लंबे लंबे रोड शो, बैक टू बैक रैलियां हो रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल दौरे पर हैं। गृह मंत्री उत्तर बंगाल के कलिम्पोंग में रोड शो कर रहे हैं। उन्हें धूपगुड़ी में चुनावी जनसभा को भी संबोधित करना है। गृह मंत्री अमित शाह कलिम्पोंग में रोड शो करने के बाद धूपगुड़ी के लिए रवाना होंगे और उत्तर बंगाल के ही धूपगुड़ी में गृह मंत्री शाह जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गृह मंत्री जनसभा को दोपहर 2 बजे के करीब संबोधित करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में रविवार को कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 10,774 नए संक्रमित मिलने से हड़कंप मच गया है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीटिंग बुलाई है। इस दौरान कोरोना से लड़ाई के लिए कई अहम फैसले हो सकते हैं। संभव है कि लॉकडाउन को लेकर भी दिल्ली सरकार मंथन कर सकती है। हालांकि रविवार को सीएम ने लॉकडाउन न लगाने की बात कही थी। राजस्थान के उदयपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इसके चलते जिला प्रशासन ने अब कड़े निर्णय लेने शुरू कर दिए हैं। उदयपुर जिला कलेक्टर ने सभी धार्मिक स्थलों के धर्मगुरुओं के साथ बैठक करते हुए कोरोना संक्रमण की स्थिति पर चर्चा की और कोरोना की भयावहता को देखते हुए धार्मिक गुरुओं ने सभी धार्मिक स्थलों को आगामी आदेश तक आमजन के लिए बंद करने का निर्णय लिया है। हालांकि इस दौरान मंदिर में नियमित रूप से पूजा होती रहेगी। समाचारों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।